लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, आज हम आपके लिए एक नया टैरो सेशन करने वाले हैं जो बेसिकली मंथली रीडिंग है मई मंथ के लिए। और इस बार हमने सभी साइंस के लिए अलग अलग रीडिंग की है। जैसे फायर साइंस में लियो, सेजिटेरियस, एरीज के लिए अलग से रीडिंग, वैसे ही एयर साइन में लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी के लिए अलग से रीडिंग, और वैसे ही हमारे जो वाटर साइंस हैं और अर्थ साइंस हैं उनके लिए। तो अगर ये स्टाइल आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप कुछ और सजेस्ट करना चाहते हैं तब भी ज़रूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट रीडिंग में उसे डेफिनेटली कंसिडर करूँगी। ओके, तो यस, ये मे मंथ की रीडिंग है, एक्साइटमेंट से भरी हुई, ब्लेसिंग से भरी हुई, गाइडेंस से भरी हुई। तो यस, बहुत ही ध्यान से सुनना है, ओके, और अपनी गाइडेंस को फॉलो करना है। सारे टाइम स्टेम्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। जो भी आपका साइन है उसकी रीडिंग देख लीजिए और अपनी गाइडेंस को फॉलो कर लीजिए, ओके। टेक्निकल बातों में मैं फिर से रिमाइंडर दे दूं कि हमारी ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप जो है ये 28 अप्रैल से शुरू हो रही है। कैनेडा के मुताबिक 28 तारीख है, इंडिया के मुताबिक 29 तारीख है, ओके। वीकेंड क्लासेस हैं, 8 सेशंस हैं टोटल, और ये जो वर्कशॉप है ये आपके एंसेस्ट्रल हीलिंग को लेकर है। अगर आपका कोई जनरेशनल ट्रॉमा है, अगर बीमारियां आपकी फैमिली में मैनिफेस्ट होती हैं जनरेशन टू जनरेशन, सक्सेस रेट बहुत कम है, जनरेशनल कर्मा है आपका, तो उन सभी चीज़ों के लिए ये बेसिकली आपकी हेल्प करेगी वर्कशॉप। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, यहाँ तो मैंने बहुत ही कम लिखे हैं, तो यस, यहाँ पर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर डायनामिक्स हैं। हम यहाँ पर प्रेयर सीखेंगे, रिचुअल सीखेंगे, ऑफरिंग्स, ऑल्टर्स, ये सारी चीज़ें, कैंडल मैजिक, ऑटो राइटिंग, ऑटो ड्राइंग, मून मैजिक सीखेंगे, मैनिफेस्टेशन टेक्निक सीखेंगे जो मैंने पर्सनली यूज़ की हैं अपनी जर्नी में। क्वांटम जंपिंग से इंस्पायर्ड ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होने वाली हैं। और जैसा मैं बोल रही थी, ये तो बहुत कम लिखा है यहाँ पर मैंने, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ओके। तो यस, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस वर्कशॉप में, आपका तहे दिल से स्वागत है। इनरोलमेंट के लिए या और डिटेल्स के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihiltarot@gmail.com पर। मैं फिर से याद दिला दूँ, बहुत ही कम टाइम बाकी है तो जल्दी कीजिए, ज़्यादा समय नहीं है, ओके। और इसी के साथ अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shinyacreates.com, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। और क्या, मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, मैं वहाँ पर भी रील्स वगैरह डालती रहती हूँ, शॉर्ट वीडियोस डालती रहती हूँ, तो उसको भी आपको देखने में मज़ा आएगा और गाइडेंस मिलेगी। तो मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ओके। मैं थोड़ा कम अवॉइड कर रही हूँ बोलना गाइस, क्योंकि मर्करी रेट्रोग्रेड है और मेरे ऊपर ना बहुत असर रहता है इस चीज़ का, मेरे शब्द कुछ ना कुछ ऐसे बिगड़ जाते हैं मैं खा जाती हूँ आधे शब्दों। तो यस, मैं जल्दी से इंट्रो को ख़त्म करती हूँ और आपकी रीडिंग की शुरुआत करती हूँ माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पायलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये रीडिंग होने वाली है फायर साइंस के लिए, लियो, सेजिटेरियस, एरीज के लिए। सो लेट्स सी मई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। थैंक यू। फायर साइंस लियो, सेजिटेरियस, एरीज, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। One more time, please. And Shunya. Leo. Sagittarius. And Aries. Okay. So Leo, आपके लिए basically इस month में एक, जैसे कहते हैं ना कि अचीवमेंट का ये मंथ रहने वाला है आपके लिए। आप बहुत सारे छोटे गोल्स और जो आपके बड़े गोल्स हैं उन्हें अचीव करेंगे और उसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है अपने आप के ऊपर,
एक होता है ना, हमारी एक मन की आवाज़ होती है जो हमसे कह रही होती है कि हाँ मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूँ, मैं खुद को मौका दे सकता हूँ, मैं खुद से मेहनत कर सकता हूँ। ये सारी ऊर्जा जो है मई मंथ में आपके लिए अवेलेबल रहने वाली है, और उसका मेन रीज़न यही है कि आप अपने बहुत सारे छोटे और बड़े गोल्स को अचीव करेंगे। अचीवमेंट शब्द बेसिकली आपको चेज करने वाला है, ओके, मई मंथ में। सो कंग्रेचुलेशंस। अगर हम यहाँ पर सेजिटेरियस की बात करें, सेजिटेरियस आपको यहाँ पर एक्टिव मोड जो है, जिसमें हम एक्शन ले रहे हैं, हम ज़रा सोच नहीं रहे हैं, हमने जो सोचा है, जो आइडियाज़ क्रिएट किए हैं पास्ट में, अब बेसिकली हम यहाँ पर मई के मंथ में उसको लेकर एक्टिव हो रहे हैं, प्रैक्टिकल एक्शंस ले रहे हैं, और ये बहुत अनस्टॉपेबल एनर्जी भी है। तो एक मैसेज ये भी आ रहा है आपके लिए कि मई मंथ में अगर किसी की सुननी है तो अपने मन की सुननी है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है, बाकी सारी वॉइसेस को कैंसिल कर देना है, ओके। ये मंथ है अनस्टॉपेबल एनर्जी में टैप इन करने का। एरियस, अगर आपकी बात करें, आपके लिए डिटॉक्सिफाई का मैसेज आ रहा है, विच मीन्स कि आपको इस मंथ में बहुत सारी क्लेंजिंग करने की ज़रूरत है, बहुत सारी रिलीजिंग करने की ज़रूरत है। इस मंथ में पॉसिबल है कि आप यहाँ पर अपने आप को प्रायोरिटी बनाए, अपने आप को मतलब प्रायोरिटाइज करेंगे, और जो भी अनहेल्दी लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं आपकी लाइफ में, आप उनको लेकर वोकल रहेंगे, उनको नो बोलेंगे। पॉसिबल है कि इस मंथ में आप बहुत सारे रिश्तों को रिश्तों से बाहर आएं, लेकिन ये जो भी रिश्ते हैं ये सारे टॉक्सिक रिश्ते हैं, ओके, और उसकी वजह से आप अपनी लाइफ को एक हल्कापन, एक हल्की एनर्जी से भरोगे, ओके। ऑल राइट, हम यहाँ पर टैरो से भी देख लेते हैं। थैंक यू। लियो, सेजिटेरियस, एरीज, थैंक यू, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। वाओ, ब्यूटीफुल। ओके, तो हाँ, फायर साइंस के लिए जो ओवरऑल एनर्जी आई है वो है यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस, बहुत ही स्पिरिचुअल मिस्टीरियस एनर्जी। पॉसिबल है कि इस मंथ में आपको कुछ ऐसे साइंस भी स्पिरिचुअल साइंस, जैसे एंजल नंबर्स हो गया या फिर कोई स्पेसिफिक एनिमल स्पिरिट हो सकती है, जो आपको बार 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 चेज करे इस मंथ में। उसका मेन रीज़न यही है कि इस मंथ में आपके लिए बहुत सारी स्पिरिचुअल अलाइनमेंट अवेलेबल है, बहुत सारी मिस्ट्रीज आपकी ब्लड लाइन से जुड़ी हुई हो सकती हैं, आपके साइकिक एबिलिटीज़ के बारे में, आपके आपके गॉड गिफ्ट्स के बारे में, ये सारी चीज़ें जो मिस्टीरियस एनर्जी में बैठी हुई है ना, ये जैसे इसके लिए अलाइनमेंट बन रही है, आपकी चेतना में ये चीज़ें जगह लेना चाहती हैं, ताकि आप अपने आप को और भी करीब से जान सकें, और भी अच्छे से जान सकें, ओके। तो ये स्पिरिचुअलिटी बहुत फॉलो करने वाली है मेरे जो फायर साइंस हैं। अगर यहाँ पर हम लियो की बात करें, वी हैव द लवर्स एंड वी हैव द स्टार कार्ड, दोनों ही मेजर आर्काना है ये, ओके। तो ऐसा लगता है लियो के लिए ये मंथ काफ़ी इंटेंस, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशनल हो सकता है, और कुछ मेजर इवेंट्स जो हैं वो आपको आपके इस मंथ में देखने को मिल सकते हैं। मेजर इवेंट्स में मुझे सबसे पहले तो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप्स में, चाहे फिर वो रोमांटिक हैं, चाहे फिर वो वर्क से रिलेटेड आपके रिलेशनशिप हैं, इनमें मुझे बहुत सारी यूनियन आती हुई नज़र आ रही है, और ऐसा लगता है ये यूनियन जो है आपके खुद के माइंडसेट पर बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव डालेगी। इट्स लाइक कि आप कह रहे हो कि ओके, मेरे रिलेशनशिप्स बहुत हेल्दी हैं, और इस वजह से अब मैं अपने आप को भी और जो है बेहतर करने की कोशिश कर सकता हूँ। तो काफ़ी मोटिवेशन मिल रहा है आपको आपके हेल्दी रिलेशनशिप से, लव सिचुएशन या फिर कह लीजिए आपकी मैरिज या रिलेशनशिप्स आपके, उसमें बहुत सारी कह लीजिए कि प्यार की ऊर्जा मैं आती हुई देख रही हूँ, ओके। विद द स्टार कार्ड ऐसा लगता है कि आपकी कोई ना कोई विश भी है जो इस मंथ में पूरी होने वाली है, खास करके ये ऐसी विश है जिसको लेकर आप काफ़ी समय से सोच रहे हैं। एटलीस्ट मैं पिछले 6 महीने हैं उस टाइम पीरियड को यहाँ पर गिनना चाहूँगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये 7 स्टार से वो 6 मंथ्स का पीरियड कम्प्लीट होके 7th मंथ 7 स्टार से वो आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, ओके।
तो यस, ऐसा ऐसा लगता है कि काफ़ी सारी कंग्रेचुलेशंस, काफ़ी सारी हैप्पी मोमेंट्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत सारी इनर हीलिंग भी अवेलेबल है लियो साइंस के लिए इस मंथ में. ओके, स्टार कार्ड यहाँ पर बहुत सारी इनर हीलिंग को भी दर्शाता है. मैं आपकी हेल्थ के बारे में भी एक मैसेज देना चाहूँगी कि इस मंथ में अपनी आईज़ का ज़्यादा ध्यान रखिएगा. आप जितना अपनी आईज़ को हील करने के लिए कोई एफर्ट लगाएंगे, अच्छी डाइट लेंगे, तो उसका असर आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा. ओके, जैसे आपके फेस को लेकर हीलिंग अवेलेबल है इस मंथ में. सेजिटेरियस के लिए अगर देखें, यहाँ पर हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ सोर्ड्स. तो सेजिटेरियस के लिए फाइनेंसेस, करियर तो बहुत सॉलिड आ रहा है. ओके, आपकी फैमिली लाइफ भी ऐसा लगता है कि काफ़ी संतुलित रहेगी, और आपको ऐसा रहेगा कि ओके, मैं बिल्कुल सही ट्रैक पर हूँ अपने करियर के साथ. बिग मनी आने के चांसेस हैं यहाँ पर सेजिटेरियस आपके लिए, खास करके एक्सपेंशन. इसमें किसी ना किसी किस्म की ट्रैवल जुड़ी हुई है. ये ऑनलाइन भी हो सकता है काम, या फिर आप लिटरली किसी जगह पर ट्रैवल भी कर सकते हो और उसकी वजह से आप यहाँ पर कुछ मनी गेन कर रहे हो. ओके, किंग ऑफ पेंटिकल से ऐसा भी लगता है कि यहाँ पर इस मंथ में ना आप अपनी फैमिली को बहुत ध्यान देने वाले हो, अपनी फैमिली के बारे में बहुत सोचने वाले हो, फैमिली में क्या चल रहा है, किसे मदद की ज़रूरत है, और आप जैसे एक लीडर की तरह अपनी फैमिली को इस मंथ में लीड करोगे. जैसे आपको आपकी फैमिली को आपकी ज़रूरत है इस महीने में, जो आपकी फैमिली को चाहिए ना वो आपके पास है, और इस वजह से आपको वो लीड करने का मौका मिलेगा. ओके, एट ऑफ सोर्ड से ऐसा भी लगता है कि समय समय पर सेजिटेरियस आपको बहुत सारे ऐसे थॉट्स भी चेज कर सकते हैं जहाँ पर आप थोड़ा सा स्टक महसूस करें, जहाँ पर आपको लगे कि मुझे नहीं पता मुझे इसमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा लॉस्ट महसूस करना या थोड़ा सा डाउटफुल भी महसूस करना. मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप ऐसा महसूस करें उस समय पॉज लेकर अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा. ओके, क्योंकि यहाँ पर इस सिचुएशन में आपकी इंट्यूशन या आपकी हायर सेल्फ आपको बहुत ही एक्यूरेटली गाइड कर सकती है. आंखें बंद करके मेडिटेशन करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, या फिर नहाते वक्त थोड़ा सा मेडिटेटिव स्टेट में जाना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. ओके, अगर हम यहाँ पर एरीज के बारे में बात करें, एरीज आपके लिए सेवन ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स की एनर्जी है. सेवन ऑफ कप्स से ऐसा लगता है कि ये एनर्जी जो है यह है काफ़ी सारे ऑप्शंस की, काफ़ी सारी ऐसी ऊर्जा जहाँ पर आपको है कि ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी कर लो, वो भी कर लो. और जब हम ज़्यादा ऑप्शंस में आ जाते हैं ना, तो उसका एक प्रॉब्लम ये होती है कि हम कुछ भी नहीं कर पाते. अगर हम चीज़ों से ज़्यादा भर लें अपने आप को, तो वैसे ही यहाँ पर सेवन ऑफ कप्स में ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर इस मंथ में जिस चैलेंज से गुजरेंगे वो यही है कि अक्यूमुलेट करना बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे थॉट्स को, और उसकी वजह से जो आप करना चाह रहे हो वो नहीं कर पाना. ओके, यहाँ पर थोड़ा सा नकाब से एक एनर्जी ये भी आ रही है कि पॉसिबिलिटी है कि इस मंथ में आपको बहुत बार ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन से भी गुजरना पड़े जहाँ पर आप अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ को शेयर करने से डरो, या फिर आप वल्नरेबल होने से डरो. आपको लगे कि ओ माय गॉश, मैं यहाँ वल्नरेबल नहीं हो सकता क्योंकि ये लोग मुझे जज करेंगे, ये लोग मुझे यहाँ पर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और उसकी वजह से काफ़ी सारी शैडो क्रिएट हो सकती है आपकी. ओके, सलाह मैं आपको यही दूंगी यहाँ पर, उन लोगों के साथ ही अपने समय को, अपनी एनर्जी को स्पेंड कीजिए, शेयर कीजिए, जहाँ पर आपको लगे कि मुझे मुखौटा पहनने की ज़रूरत नहीं. अगर किसी के साथ आपको मुखौटा पहनने की ज़रूरत पड़ रही है, विच मीन्स कि ये पर्सन आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है, ये आपके शैडो को क्रिएट कर रहा है, तो इस पर्सन के साथ अपनी एनर्जी क्यों शेयर करना, राइट? और सिंपल रखना चीज़ों को, जितना सिंपल रखोगे उतना ही ज़्यादा इस मंथ में प्रोडक्टिव रह पाओगे. दूसरा मैसेज है यहाँ पर विद द एस ऑफ कप्स, बहुत सारी इमोशनल न्यू बिगिनिंग अवेलेबल है आपके लिए, खास करके जो हार्ट सेंटर्ड एनर्जी होती है, जिसमें हम वो जो रियल इमोशंस हैं, लव से जुड़े हुए, रिस्पेक्ट से जुड़े हुए, उनको महसूस करते हैं. ओके, तो ये ऐसा लगता है कि डिवाइन आपको ये प्योर एनर्जी गिफ्ट के रूप में देना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपका खुद का खुद का रिसेप्टिव मोड में होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो रिसेप्टिव मोड में होने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रैटिट्यूड में टैप इन करते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को रेज कीजिए और खुद से कहिए कि मैं किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हूँ.
वो कौन सी ब्लेसिंग्स हैं जो ईश्वर ने मुझे ऑलरेडी दे रखी हैं। और जैसे ही आप उन चीज़ों की तरफ अपना ध्यान देंगे, आप रिसेप्टिव मोड में जाएंगे और आप यहाँ पर इस इमोशनल ये जो यू नो ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए एस ऑफ कप्स हैं, ये न्यू लव, न्यू फ्रेंडशिप, न्यू रिलेशनशिप्स आपके या फिर आपके यू नो जिस पर्सन से आप प्यार करते हो उनकी तरफ से फीलिंग्स कई यू नो वो एक्सप्रेस करना, ये बेसिकली कोई भी ऐसी ऊर्जा हो सकती है, हीलिंग भी हो सकती है ये कुछ लोगों के लिए। ओके तो यस, आप इस ब्लेसिंग को यू नो क्लेम कर पाएंगे, यू नो इसे वेलकम कर पाएंगे। ओके तो यस, ये कुछ मैसेजेस हैं जो टैरो से आपके लिए आ रहे हैं। नाउ लेट्स सी अगर यहाँ पर हमें थोड़े से और मैसेजेस मिलते हैं। थैंक यू। लियो सेजिटेरियस एरीज, और सेजिटेरियस के ऊपर ये गिरा है कार्ड, तो मैं सेजिटेरियस के लिए लेना चाहूँगी। सेजिटेरियस आपके लिए है, इट्स टाइम टू ट्रांसफॉर्म। ओके इस मंथ में ऐसा लगता है कि बहुत सारी यू नो बदलाव हैं जो आपके अंदर आना चाहते हैं, खास करके जो आपके दिमाग में सवाल उठेंगे, जहाँ पर आपको लगेगा कि ओके यू नो मेरी तरक्की इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि मैं ये चीज़ गलत कर रहा हूँ। जिन चीज़ों को लेकर भी आपकी अवेयरनेस रहेगी ना, यही चीज़ें डिमांड कर रही हैं ट्रांसफॉर्मेशन, आपसे मांग रही हैं। ओके तो यस, इनके प्रति एक्शन लेना, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज भी अवेलेबल होंगे, तो इनके प्रति एक्शन लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस मंथ में अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को इग्नोर नहीं कर सकते सेजिटेरियस, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ओके क्योंकि ये आपकी लिटरली ग्रोथ, अबंडेंस, आपकी प्रॉस्पेरिटी के साथ जुड़ा हुआ है। तो यस, प्लीज अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए इस मंथ में। लियो के लिए क्या मैसेज है? Allow yourself to receive. मैं कह रही हूँ लियो के लिए ये मंथ बहुत ही पावरफुल है, बहुत सक्सेस है, बहुत सारी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पर आपके लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ ट्रैवल कर रही है, उसे रिसीव कीजिए। आपको भी मैं एरियस की तरह यही कहना चाहूँगी कि रिसेप्टिव मोड में जाइए ग्रैटिट्यूड की मदद के साथ। ओके लेकिन ये लियो आपके लिए मैं बहुत मतलब बहुत हैप्पी मंथ देख रही हूँ, बहुत ही हैप्पी मंथ। ओके एरीज के लिए क्या गाइडेंस है? ओके स्टे पॉजिटिव। आपके लिए यू नो चीज़ों को सिंपल अगर आप रखना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एरीज कि आप अपने भीतर थोड़ी सी पॉजिटिविटी लेकर आएं, या फिर आप यहाँ पर ऑप्शंस को इस तरीके से भी छांट सकते हैं कि हाँ इस ऑप्शन में पॉजिटिविटी है, ओके मैं इस ऑप्शन के साथ काम करूँगा, अच्छा इस ऑप्शन में पॉजिटिविटी नहीं है तो मुझे इसके साथ काम नहीं करना, यू नो इस तरीके से भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिविटी को ही आपको चूज करना है। ओके ऑल राइट, यहाँ और क्या मैसेजेस हैं? मैं सबसे पहले लियो के लिए लेना चाहूँगी। सी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, आर्कएंजल रजियाल, थैंक यू रजियाल फॉर हेल्पिंग मी चैनल माई गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स। ऐसा लगता है कि लियो इस मंथ में, टू बी ऑनेस्ट, आप इस मंथ में ना एक ऐसी एनर्जी में हो जो बहुत इंस्पायरिंग है। आपकी रोशनी जो है वो दूसरों के लिए कह लीजिए मिरर का काम कर रही है, लोग आपको कॉपी करना चाहेंगे, आपके जैसा बनना चाहेंगे, और पॉजिटिव स्पेस से। मैं कंपटीशन नहीं देख रही यहाँ पर आपके लिए, इस चीज़ के जैसे लोग आपको एडमायर कर रहे हैं कि आप कैसे हो, यू नो आपके गिफ्ट्स कितने यूनिक हैं, आप कितने यूनिक हो, और आर्कएंजल रजियाल में आपकी मदद कर रहे हैं। ओके तो इनको ज़रूर ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। सेजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है? स्पिरिचुअल सपोर्ट, डियर एंजल्स आई अलाउ यू टू सपोर्ट मी एज आई ग्रो टू बिकम मोर स्पिरिचुअली अवेयर।
यस, यहाँ पर आई बिलीव ये एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी एक किस्म का स्पिरिचुअल टेस्ट ही है आपके लिए, जो दरअसल आपको आपके माइंड के इल्यूजन से पार कैसे जाना है उसका रास्ता दे रही है। इस चीज़ की आपको उसमें अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। ओके, तो यस, आपके लिए स्पिरिचुअल सपोर्ट अवेलेबल है। जब भी आपको लगे कि आप स्टक महसूस कर रहे हो, अपने थॉट्स में डाउटफुल एनर्जी में जा रहे हो, अपने स्पिरिचुअल टीम को पुकारो। सिंपली एक छोटा सा दिया लगाकर प्रेयर करो कि प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे आसरा दीजिए, मुझे आपकी ज़रूरत है। ओके, एरीज के लिए क्या गाइडेंस है? Trustworthy friends, thank you angels for surrounding me with people I can trust and love. मैं तभी आपको बोल रही थी टॉक्सिक लोग जा रहे हैं और ट्रस्टवर्दी लोग यहाँ पर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, राइट? तो यस, एरीज, ऐसा लगता है कि जो मेन ब्लेसिंग आपको मिलेगी इस मंथ में वो यही है कि आप अच्छे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में आओगे। ओके, और जो टॉक्सिसिटी है वो आपके जीवन से भाग रही है, सो कंग्रेचुलेशंस। ऑल राइट, यहाँ पर थोड़े से चैनल मैसेजेस। लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं? लियो, आपके लिए है सबसे पहले गुड हेल्थ, ये आपकी ब्लेसिंग है, कंग्रेचुलेशंस। एंड देन वी हैव 11:11 डिवाइन टाइमिंग। तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो आप इस मंथ में अचीव करोगे उसका मेन रीज़न यही है कि उनका आप डिवाइन टाइम आ गया है, उनके साथ आपके यूनियन का, आपके सपने, आपके गोल्स, उनके साथ आपके यूनियन का डिवाइन टाइम आ गया है। ओके, तो अगेन ये बहुत ही पावरफुल मंथ होगा मेरे लियो साइन के लिए। हमारे पास है ग्रोथ बूमरैंग। यस, यहाँ पर गुड कर्मा की भी एनर्जी है जो ग्रोथ के रूप में मैनिफेस्ट होगी। सेल्फ ट्रस्ट, खुद पर विश्वास करना। लियो तो जाने ही इन चीज़ों के लिए जाते हैं, यू नो। तो यस, खुद पर जितना विश्वास करोगे उतनी ही सक्सेस रेट बढ़ेगी आपकी। आसान है, ये एटीट्यूड होना चाहिए आपका। वी हैव $555, ये एंजल नंबर भी सिग्निफिकेंट हो सकता है मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, या इस अमाउंट को भी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड देन वी हैव अपॉइंटमेंट। तो यस, मेक श्योर कीजिए कि इस मंथ में अगर आपकी कोई पेंडिंग अपॉइंटमेंट्स भी हैं तो आप उनको भी यहाँ पर यू नो कंप्लीट करें, फिनिश करें। ओके, सेजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं? न्यू क्लाइंट्स, तो जो भी सेजिटेरियस यहाँ पर बिजनेस यू नो आपका अगर बिजनेस है तो आप नए क्लाइंट्स को, नए सोल ट्राइब को अट्रैक्ट करोगे। ओके, देन वी हैव शेयर दिल लाइन हार्ट, ऐसा लगता है कि सेजिटेरियस के लिए यू नो कोई लियो साइन का पर्सन भी सिग्निफिकेंट रोल अदा करेगा, आपको इंस्पायर कर सकता है ये पर्सन। हेल्दी वेट लॉस है, बहुत ही ब्यूटिफुल मैसेज। काइंड फ्रेंड्स हैं हमारे सेजिटेरियस के लिए। गोल्ड ज्वेलरी, सेजिटेरियस आपके लिए गोल्ड ज्वेलरी आ रही है, सो ये आपकी ब्लेसिंग है। हाई स्कोर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा मंथ रह सकता है, सेजिटेरियस स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर। एंड देन वी हैव डू इट नाउ, जैसे स्पिरिट आपको एक मोहर दे रही है कि यस, स्पिरिचुअल सपोर्ट तुम्हारे लिए अवेलेबल है, गाइडेंस अवेलेबल है, अब बस एक्शन लो। ओके, ऑल राइट, यहाँ पर एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं? जब जागो तभी सवेरा, ये एक किस्म का यू नो ये कहावत कह लीजिए आपको एक रिमाइंडर के रूप में दी जा रही है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी अगर आप किसी चीज़ को या किसी आदत को बदलना चाहते हैं तो आप अभी भी बदल सकते हैं। ओके, न्यू बिजनेस प्लस सक्सेस, तो एरीज आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नए बिजनेस को लॉन्च करने को लेकर भी है। मिरेकल्स इन योर लव लाइफ, तो आपकी लव लाइफ में डेफिनेटली एस ऑफ कप से पॉजिटिविटी है। इंटेंस एनर्जी, आप किसी पर्सन को लेकर, किसी नए पर्सन को लेकर काफ़ी इंटेंस इमोशंस महसूस कर सकते हैं और वो एक पुल महसूस हो सकता है आपको उस पर्सन के साथ। ओके, इल्यूजन, जैसा मैंने आपको बोला सेवन ऑफ कप से, माइंड में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस मत क्रिएट कीजिएगा, चीज़ों को सिंपल रखिएगा। ओके, लियो एनर्जी, ऐसा लगता है कि इस मंथ में बहुत सारे लोगों को लियो जो है
इंस्पायर कर रहे हैं. लियो इस मंथ में अनस्टॉपेबल, एक किस्म की यू नो वाइल्ड एनर्जी में है. तो यस, सेजिटेरियस और एरीज के लिए, दोनों के लिए लियो पर्सन है कोई यहाँ पर जो बहुत सिग्निफिकेंट रोल अदा करेंगे. वी ऑल्सो हैव मदर हीलिंग, इनकेस आप यू नो मेरे साथ ब्लड लाइन हीलिंग कर रहे हो, तो यस ये आपका साइन है कि आप उसको बहुत सक्सेसफुली कर पाओगे. ओके, और इन केस अभी तक आपने यू नो साइन अप नहीं किया है ब्लड लाइन हीलिंग को लेकर और आप करना चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं डिटेल्स के लिए और इनरोलमेंट के लिए ihealtarot@gmail.com पर. ओके, और ये 28 अप्रैल से ये वर्कशॉप शुरू हो रही है, तो ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, जल्दी से साइन अप कर लीजिए. आपके लिए तो साइन भी आया है एरीज कि आपको मदर हीलिंग करनी चाहिए. ओके, ऑलराइट गाइस, मैं इसी के साथ इस रीडिंग को एंड करती हूँ. आई होप कि ये रीडिंग आपको गाइडेंस मिली है. ये स्टाइल भी आपको कैसा लगा रीडिंग का ये भी मुझे जरूर बताइएगा. इस पर हमने अलग अलग साइंस के लिए अलग अलग मैसेजेस लिए हैं, राइट? तो मैं जानना चाहूंगी आपका फीडबैक. अगर ये अभी आपको ठीक नहीं लगा तो नेक्स्ट टाइम हम कुछ और ट्राई कर लेंगे. ओके, और गाइस, अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और वर्कशॉप का मैं आपको बता ही चुकी हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा. और पर्सनल रीडिंग का तो बोल ही चुकी हूँ, सी वो मुझे आदत है ना इस तरीके से बोलने की. सो यस यस, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा. ओके, और राइट, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय. ऑल राइट, पाइल नंबर टू, ये रीडिंग है हमारे एयर साइंस के लिए, लीब्रा अक्वेरियस जेमिनाई के लिए. ओके, सो लेट्स सी ये मंथ आपके लिए कैसा रहेगा. थैंक यू वेरी मच. लीब्रा अक्वेरियस जेमिनाई, थैंक यू. लीब्रा Aquarius and Gemini. All right. So Libra, आपके लिए मैसेज आ रहा है स्टेप अप एंड लीड. ऐसा लगता है कि इस मंथ में responsibilities और accountability, you know, ये जो दो शब्द हैं ये basically आपको follow करने वाले हैं. इस मंथ में आप यहाँ पर भीड़ नहीं बन सकते, you know, आप basically वो हैं जो भीड़ को lead करें, जहाँ पर लोग आपको फॉलो करें, लोग आपको एक लीडर के रूप में देखें. तो आपको उस तरीके से अपने आप को यू नो स्थापित भी करना है, अपने आप को कहते हैं ना कि एक सॉलिड पोजीशन अपने लिए बनानी है. तो उसके लिए बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, खुद को एक लीडर के रूप में देखें. लीडर कौन होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता है, जो अकाउंटेबिलिटी उठाता है. ओके, जो मुँह नहीं मोड़ता, जो एक्सक्यूजेज नहीं ढूंढता. तो जितना आप अपने एटीट्यूड में इस लीडरशिप एबिलिटी के साथ जुड़ोगे ना, उतना ही निखरोगे, सवरोगे इस मंथ में. ओके, ये मंथ में आप दरअसल, मैं फिर से बोल रही हूँ लीब्रा, आप भीड़ के लिए नहीं बने. ओके, आप भीड़ का हिस्सा नहीं हो, आप वो हो जिसको भीड़ फॉलो करती है. ओके, सो यस, अपनी लीडरशिप एबिलिटी में टैप इन कीजिए. अक्वेरियस, आपके लिए यहाँ पर फॉरगिव का मैसेज आ रहा है. ऐसा लगता है कि इस मंथ में आप पर्ज करोगे. ओके, आप फॉरगिव करोगे, आप पर्ज करोगे, आप ये रियलाइज भी करोगे कि ग्रजेस पाल के रखना या गुस्सा पाल के रखना ये आप ही की बॉडी को, आप ही के माइंड को डैमेज करता है, दूसरे के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता. अगर यहाँ पर आप किसी को बदलने के चक्कर में अपने आप को यू नो बदल दिए, अपने आप में आप टॉक्सिक हो गए, और उसकी वजह से अगर आपको अपने आप पर भी गुस्सा है, तो ये ऐसे बहुत अच्छा मंथ है अपने आप को भी फॉरगिव करने का. कोई भी मेडिटेशन अगर आप कर सके फॉरगिवनेस को लेकर, तो मैं आपको वो डेफिनेटली करने के लिए इनकरेज करूंगी. ओके, ये हीलिंग का मंथ है मेरी जान, मेरे एक्वेरियस साइंस के लोगों के लिए. ऑल राइट, तो यहाँ पर हमारे पास जेमिनाई के लिए कार्ड है रिलीज योर ब्लॉक्स. तो ये मंथ है अपने सबकॉन्शियस ब्लॉक्स, अपने कॉन्शियस ब्लॉक्स को रिलीज करने का. कॉन्शियस ब्लॉक्स कौन से हो सकते हैं, जिसको लेकर हम अवेयर हैं कि हाँ मुझे ये करना है लेकिन हम कर नहीं रहे. यू नो, हमें एग्जैक्टली पता है कि यार मुझे ये करने की ज़रूरत है, और हम हर रोज़ प्लान बना रहे हैं लेकिन हम कर नहीं रहे, एक्शन नहीं ले रहे, तो वो हमारे ब्लॉकेजेस बन जाते हैं. इसको आपको रिलीज़ करना पड़ेगा. कैसे रिलीज़ करोगे, उन चीज़ों के रिगार्डिंग एक्शन लेके. ओके, थोड़ा सा खुद को पुश करना पड़ेगा. सबकॉन्शियस के लिए मैं आपको डेफिनेटली यू नो थोड़ा सा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करने के लिए प्रेरित करूँगी. वो योगा हो सकता है, मेडिटेशन हो सकती है, ऑटो ड्राइंग, ऑटो राइटिंग,
या कोई भी अगर आप डिविनेशन टूल जानते हैं तो उसके साथ काम कीजिए, ये जानने के लिए कि आपके सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस क्या हैं, क्योंकि ये मंथ रिलीज करने का है, ये पोर्टल खुला हुआ है आपके लिए, ओके? जहाँ पर आप अगर एफर्ट लगाएंगे रिलीज करने का तो वो रिलीजिंग होगी, ओके? तो यस, प्लीज इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट मत कीजिए, ओके? ऑलराइट, मैं यहाँ पर टैरो से देखना चाहूँगी लीब्रा अक्वेरियस जेमिनी के लिए क्या मैसेजेस हैं. थैंक यू. लीब्रा अक्वेरियस जेमिनी, वन मोर टाइम प्लीज. एंड लीब्रा, द चैरियट कार्ड आया है आपके लिए पहला, फिर है किंग ऑफ सोर्ड्स, अक्वेरियस के लिए है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स, जेमिनी आपके लिए है टेन ऑफ कप्स एंड देन वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स. ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी. तो ऐसा लगता है कि हमारे एयर साइंस लीब्रा अक्वेरियस जेमिनी के लिए बहुत सारी अबंडेंस है, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी है. जितना आप अपने आप को एसोसिएट भी करेंगे इस अपनी इस आइडेंटिफिकेशन के साथ जुड़ेंगे कि यस, मैं एक वेल्दी पर्सन हूँ, मैं एक रिच पर्सन हूँ, मैं अबंडेंट हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं प्रॉस्पर हूँ, ये जितना आप इन चीज़ों को बोलेंगे, जितना इस एटीट्यूड में टैप इन करेंगे, आपको उतना ही ज्यादा ये ब्लेसिंग्स को है जो है देखने का मौका मिलेगा. ओके, तो मनी आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, परिवार में खुशियां आ रही हैं. अगर हम यहाँ पर लीब्रा की बात करें, लीब्रा आपके लिए तो बहुत ही सॉलिड कार्ड आए हैं, चैरियट और किंग ऑफ सोर्ड्स, और बहुत मैच करते हैं आपके ओरेकल कार्ड से, क्योंकि यहाँ भी लीडर की एनर्जी है और इन दोनों कार्ड्स में भी लीडर की ही एनर्जी है. तो फिर से एक दोबारा से मोहर लगती है कि ये मंथ मेरे लीब्रा साइंस के लिए है लीड करने का, ओके? उस वर्जन में आने का जो अभी तक सिर्फ आपके दिमाग में ही था कि हाँ मैं ये हूँ, मैं वो हूँ. हम सभी सोचते हैं ना अपने अपने दिमाग में, लेकिन ये मंथ प्रैक्टिकल मंथ है. ये मंथ है कि हाँ, अगर लीडर सोचते हो तुम कि हाँ तुम कुछ हो, तो फिर दिखाओ भी, करके दिखाओ, यू नो, प्रूव करके दिखाओ, सबूत दो अपनी एग्जिस्टेंस का, ओके, अपनी अबिलिटीज़ का. तो चैरियट कार्ड से सक्सेस आपके कदम चूमने वाली है. बेसिकली इस कार्ड को मैं एक ऐसा कार्ड कहती हूँ जो हार के लिए नहीं बना. बेसिकली ये हमेशा जीतता है. चैरियट की डेस्टिनी में सिर्फ जीत लिखी हुई होती है. ये जिस भी चीज़ को हाथ लगाए उसे सोना कर दे, ओके? तो यस, यहाँ पर आप बहुत ही कम रिसोर्सेज में भी बहुत ही बड़ा आउटकम जो है मैनिफेस्ट कर सकते हैं. रिलेशनशिप्स में भी यहाँ पर बहुत सारी अलाइनमेंट है. करियर में भी आपके लिए बहुत सारी अलाइनमेंट है. और आपकी जो ओवरऑल लाइफ है ना, उसमें आपको ऐसा लगेगा कि यह सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, सब कुछ जो है मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है. तो एक संतुष्टि जो है होती है ना, वो इस मंथ में आपको फॉलो करेगी, ओके? ट्रैवलिंग आपके लिए डेफिनेटली आ रही है. दूर की ट्रैवलिंग पॉसिबल है यहाँ पर, और ये काफ़ी बेनिफिशियल भी होगी. किंग ऑफ सोर्ड्स से भी ऐसा लगता है कि आपका माइंड जो है ना, उफ लीब्रा, इस मंथ में आप कुछ अलग हो. टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, सेम एनर्जी मैं लियो के लिए देख रही थी जो मैंने लास्ट रीडिंग की ना, लियो सेजिटेरियस एरीज के लिए, फायर साइंस के लिए. यहाँ वहाँ पर लियो के लिए ऐसी एनर्जी आई थी, तो यहाँ पर आपके लिए आ रही है. सो किंग ऑफ सोर्ड्स से आपका माइंड, आपकी इंटेलिजेंस जो है उभर उभर के बाहर आएगी. लोग भी विटनेस करेंगे. बहुत बार तो आपको, आप अपने आप को ही हैरान कर दोगे कि ओ माई गॉश, ये मैंने कैसे किया, ये मैंने कैसे. इसलिए कि आप बहुत ही पावरफुल एनर्जीज को चैनल कर रहे हो इस मंथ में, ओके? आप यहाँ पर बहुत प्रैक्टिकल भी हो, तो आपको कोई इमोशनल फूल भी नहीं बना सकता, ओके? आप जैसे बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे कि सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है. और इसकी वजह से आप अपनी लाइफ में जहाँ पर क्लियरिंग की ज़रूरत है वहाँ पर वो क्लियरिंग कर पाओगे, जहाँ क्लेंजिंग की ज़रूरत है वहाँ पर क्लेंजिंग कर पाओगे, और जहाँ पर भी कह लीजिए कि आपको लगे कि हाँ मुझे इस चीज़ को अट्रैक्ट करना है, तो आप उसे बहुत ही एफर्टलेसली अट्रैक्ट भी कर पाओगे, ओके? चीज़ें बहुत ही ईजिली आपकी लाइफ में आती हुई, पॉजिटिव चीज़ें आती हुई नज़र आ रही हैं.
कंग्रेचुलेशंस। यहाँ पर अगर एक्वेरियस की बात करें, आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। इस लाइक कि इस मंथ में यहाँ पर फॉरगिवनेस तो करनी ही करनी है आपको, ताकि आप अपने यू नो साइकिल्स को कंप्लीट करके आगे बढ़ सकें। और ये दोनों कार्ड्स भी कहीं ना कहीं यही आपको इशारा दे रहे हैं, यू नो जो फ्यूचर है, यू नो फ्यूचर के लेकर जो प्लान्स होते हैं, फ्यूचर को लेकर जो हमारे आइडियाज़ होते हैं, जितना इन चीज़ों के बारे में सोचोगे ना उतना ही अच्छा रहेगा। ओके, ये ऊर्जा है कि अब मेरे लिए और क्या है, अब मुझे आगे क्या करना है, अब मेरी आगे अप्रोच कैसी होगी, आगे बढ़ना मुझे कैसे है। ये सारी ऊर्जा किंग ऑफ वॉन्स और सेवन ऑफ पेंटिकल्स की है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स थोड़ी सी एक ऐसी ऊर्जा हो सकती है जो हमें थोड़ा सा स्टक कर सकती है, यू नो जो हमने ऑलरेडी एफर्ट लगाए हैं, जो एनर्जी इन्वेस्ट की है, इसका आउटकम क्या निकलेगा, आउटकम्स को लेकर थोड़ी सी ऑब्सेशन का ये कार्ड माना जाता है। तो प्लीज़ इस चीज़ से बचिएगा, क्योंकि आपको कहा जा रहा है जो एफर्ट लगा दिया अब वो लगा दिया, उसके आउटकम का वेट करते करते जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको मत गवाओ। इस भूख को पैदा करो कि अब मेरे लिए और क्या है और मुझे कैसे आगे बढ़ना है। और जैसे ही आप ये करेंगे, आप इस किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी में होंगे। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा मंथ है ये, अपनी फिजिकल बॉडी को और सॉलिड और मजबूत बनाने के लिए बहुत अच्छा मंथ है ये। ओके, तो यस आई बिलीव यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा इंटेंस हो सकता है ये मंथ। अगर इन तीन कार्ड्स के कॉम्बिनेशन को देखें, एक्वेरियस की थोड़ा सा इंटेंस है, इंटेंस वर्क है। ओके, हम यहाँ पर जेमिनी को देखें तो टेन ऑफ कप्स और टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। टेन ऑफ कप्स आई मीन ये एक ऐसा कार्ड है जो हर कोई देखना चाहता है, हर कोई चाहता है कि मेरी रीडिंग में ये कार्ड आए। तो आपकी रीडिंग में आया है तो यस कंग्रेचुलेशंस। टेन ऑफ कप्स है एक किस्म की विश फुलफिलमेंट की एनर्जी, जो खास करके आपको इमोशनल फुलफिलमेंट से भर रही है। यू नो आपके सेंसेस जैसे बहुत कह लीजिए फ्लो में हैं, आंखों में खुशी के आंसू आना, यू नो आपके होंठों पर ऐसे शब्द आना जो बहुत ही हार्ट सेंटर्ड, एक बहुत ही इमोशनल स्पेस से, दिल की गहराइयों से आ रहे हैं। यू नो बहुत इमोशनल महसूस करना, बहुत कनेक्टेड महसूस करना। और रिलेशनशिप्स के लिए तो ये बहुत ही प्यारा कार्ड है। और इस टेक में तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर कपल है, राइट, और छोटू सा प्यारा सा बेबी है यहाँ पर। तो यस यहाँ पर ऐसा लगता है रिलेशनशिप्स, मैरिज, प्रेगनेंसी, ये सब चीज़ों के लिए ये मंथ बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैरिज के लिए ये मंथ बहुत ही लकी है। ओके, और आप ऐसी ऊर्जा को अट्रैक्ट भी करोगे। टू ऑफ सोर्ड्स से ऐसा लगता है कि कुछ डिसीजंस भी, इम्पॉर्टेंट डिसीजंस भी रहेंगे इस मंथ में, जिनको आपको ऐसे नहीं लेना, एकदम से अचानक से ऐसे नहीं लेना, बल्कि आपको कहना है कि ओके मैं ध्यान से पहले चीज़ों को समझूंगा, मैं पहले इस चीज़ को जानूंगा कि जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ ये मेरे साथ कितना अलाइनमेंट में है, मैं इसकी यू नो बारीकियों को समझ रहा हूँ, और उस सारी चीज़ों को यू नो कॉन्टम्पलेट करके ही आपको जो है यहाँ पर डिसीजन लेना है। ओके, जल्दबाजी नहीं करनी है, साइन जल्दी नहीं करना। ओके, तो यहाँ पर डिसीजंस को लेकर थोड़ा सा इंट्यूटिव अप्रोच को अपनाने की यहाँ पर आपको बेसिकली गाइडेंस दी जा रही है। ओके, ऑलराइट, यहाँ पर हम थोड़ी सी और गाइडेंस लेना चाहेंगे लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी के लिए। थैंक यू लीब्रा, आपके लिए है गो विद द फ्लो। यस आई मीन चैरियट कार्ड है और फिर फ्लो की एनर्जी आना, ये फिर से यही बताता है कि मेरे लीब्रा साइन के लोग जो है ना ये कुछ ऐसा अट्रैक्ट कर रहे हैं जो या तो सन की एनर्जी में बैठा है या फिर एम्प्रेस की एनर्जी में बैठा है। यू नो ये स्पिरिचुअल नॉलेज भी हो सकती है, ये फिर कह लीजिए कि रातों रात की सक्सेस भी हो सकती है, लेकिन ये ऐसी सक्सेस है जो इसके लिए शायद आप बहुत समय से काम कर रहे हैं। यू नो जैसे सूरज जो होता है वो अनंत है, यू नो वो हमेशा के लिए है, तो जैसे इस मंथ की जो ऊर्जा है ना वो जैसे हमेशा के लिए है, कोई ना कोई अबंडेंट कॉन्शियसनेस है जिसमें आप टैप इन कर रहे हो। बस आपकी गाइडेंस यही है कि सरेंडर मोड में चलना, चीज़ों को यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश मत करना। ओके, जब भी हम चीज़ों को कंट्रोल करने लगते हैं हम मैन्युपुलेटिव एनर्जी में होते हैं, क्योंकि मैन्युपुलेशन ही कंट्रोल कर सकती है, सरेंडर एनर्जी में फ्लो होता है। ओके, तो ये बेसिकली एक ऐसी अप्रोच है जहाँ पर हम कह रहे हैं कि ओके जो मेरे हाथ में है वो मैं करूँगा, जो मेरे हाथ में नहीं है वो मैं नहीं करूँगा, वहाँ पर मैं सरेंडर करूँगा। ओके, तो फ्लो स्टेट, इन्फिनिटी पर मेडिटेट करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इन्फिनिटी सिंबल।
ऑल राइट अक्वेरियस आपके लिए है प्रायोरिटाइज योर हेल्थ. अक्वेरियस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें. अगर आपकी बॉडी कोई आपको साइंस दे रही है काफ़ी पिछले समय से, उसको प्लीज़ इग्नोर ना करें. समझें कि आपकी बॉडी किस चीज़ का इशारा दे रही है, कौन सा खाना है जो आपको पचता है या आपको सूट करता है और कौन सा नहीं करता. हेल्थ को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते इस मंथ में. ओके, जेमिनी के लिए क्या गाइडेंस है? टेक एक्शन. तो यस, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है ये जो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस ब्लॉकेजेस को रिलीज करने का एफर्ट लगाना है, उसको लेकर एक्शन लीजिए. आप इसको अब पेंडिंग वर्क में नहीं रख सकते. ओके, अब समय है एक्शन लेने का. अब समय है समझने का कि मैं कहाँ पर गलत हो रहा हूँ या फिर मुझे कहाँ पर सुधार करने की ज़रूरत है, ताकि आप यहाँ पर ब्यूटिफुल, यू नो, ब्यूटिफुल ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर सकें. ओके, ऑल राइट, और क्या मैसेजेस हैं लीब्रा के लिए? थैंक यू. ओ माय गॉड लीब्रा, मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स. आर्कएंजल ओरियन, थैंक यू ओरियन फॉर मैनिफेस्टिंग योर मिरेकल्स इन माय वर्ल्ड. तो यस, मिराकुलस एनर्जी, मिरेकल से भरा हुआ मंथ है आपके लिए. जितना हो सके ग्रैटिट्यूड शो कीजिए. ओके, अक्वेरियस, टेक टाइम टू ब्रीथ. थैंक यू एंजल्स, आई ब्रीथ विद ईज नोइंग यू आर हेयर. सो आई बिलीव ये मैसेज इस चीज़ के बारे में ही है कि अपनी बॉडी को ज़रूरत से ज़्यादा ना थकाइए, रेस्ट लीजिए. थोड़ा सा वेकेशन टाइम बहुत अच्छा रहेगा. ओके, अगर बॉडी बहुत थक रही है तो बहुत जल्दी वो डैमेज हो रही है, तो अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है. तो ये करना है आपको. जेमिनी के लिए क्या मैसेज है? यू आर प्रोटेक्टेड. आर्कएंजल माइकल, थैंक यू माइकल फॉर सराउंडिंग मी विद योर प्रोटेक्टिव लाइट. तो ऐसा लगता है जेमिनी कि आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो. तो फियर जो होता है कभी कभी हमारी प्रोटेक्शन शील्ड को लेकर हमारा, वो आपको इस मंथ में तंग नहीं करेगा. आप प्रोटेक्टेड हो, आपके अपने प्रोटेक्टेड हैं. आपके बिहाफ का जो काम है, आपके आपको जो अपने लिए काम करना है, बस उसे सुकून के साथ, शांति के साथ करो. ओके, ऑल राइट, यहाँ पर कुछ चैनल मैसेजेस. सबसे पहले लीब्रा के लिए, ओके, वी हैव रोमांटिक पार्टनर. तो रोमांटिक पार्टनर अगर ऑलरेडी है तो उनके साथ बहुत पॉजिटिव टाइम, या फिर आप नए रोमांटिक पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं. बुक पब्लिश्ड, आप में से जो लोग भी राइटर हैं, आपकी किताब पब्लिश हो सकती है, या फिर आपका ये साइन है कि आपको किताब लिखनी चाहिए. रोमांस का कोई रोमांटिक नावल लिख सकते हैं आप. ओके, सेंट चर्मेन, तो बहुत सारी कर्मा क्लियरिंग है यहाँ पर, और साथ ही साथ कह लीजिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट भी कर रहे हो आप. ओके, पावर, यस, लीडरशिप एनर्जी, 10,000 प्लस फॉलोअर्स. तो यस, अगर आप इंटरनेशनल कह रही हूँ, अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं तो यस, आप यहाँ पर यू नो फॉलोअर्स को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं. मिरेकल्स इन योर प्रोफेशनल लाइफ, ब्यूटिफुल. तो यस, आपकी प्रोफेशनल, आपके करियर में मैं बिग जो है ग्रोथ देख रही हूँ. फिर है हमारे पास लव हील्स. तो यस, आपको एक किस्म का मूल मंत्र दिया जा रहा है कि जब भी इस मंथ में आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़े तो प्यार शब्द के साथ जुड़ना, प्यार की एनर्जी में टैप इन करना. ओके, अक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं? PR, कुछ लोगों के लिए ये सिग्निफिकेंट हो सकता है. परमानेंट रेजिडेंसी आपको मिल सकती है, या फिर यू नो स्पॉन्सरशिप, या फिर ये लेटर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं. द चोजन वन, अक्वेरियस आपके लिए मैसेज है कि आप एक चोजन वन हो. इस फॉरगिवनेस के साथ आई बिलीव आप बहुत सारी एंसेस्ट्रल हीलिंग भी करोगे अपनी. ओके, इनकेस आप मुझे ज्वाइन कर रहे हो ब्लड लाइन हीलिंग के लिए जो 28 तारीख से शुरू हो रही है, कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये एक साइन है कि आप बिल्कुल सही पाथ पर बहुत अच्छे से अपनी ब्लड लाइन हीलिंग कर पाओगे. इनके सभी तक आपने साइन अप नहीं किया है तो ये आपका साइन है कि आपको ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप करनी चाहिए या ब्लड लाइन हीलिंग करनी चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा एंसेस्ट्रल ट्रॉमा और कर्मा को हीलिंग मिलनी है, उसको रिलीज करना है आपको. ओके, वी हैव कम्प्लीशन, बहुत सारे साइकिल्स की कम्प्लीशन. हकुना मटाटा, खुश रहो, खुश रहने दो, बेसिकली एक ऐसी फिलॉसफी है ये. It's time to shine, yes. Promotion है. And then we have Queen of Hearts. आप काफ़ी लोगों का दिल भी जीतोगे.
बड़प्पन की एनर्जी है बेसिकली यहाँ पर। ओके, एरीज के लिए, एरीज कह रही हूँ, जेमिनी के लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं? पास्ट लाइफ लव, तो आप यहाँ पर किसी पास्ट लाइफ यू नो लव सिचुएशन कह लीजिए, वो आपके लाइफ में मेजर रोल अदा कर सकती है इस मंथ में। आप ऐसे पर्सन के साथ भी कांटेक्ट में आ सकते हो। टेन ऑफ कप्स की भी एनर्जी, बहुत ही हैप्पी रिलेशनशिप, यू नो सोलमेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स के बारे में ही बात करती है। सेकेंड जॉब, तो इंक्रीमेंट है यहाँ पर, रिसोर्सेज बढ़ेंगे, इनहेरिटेंस मिल सकती है कुछ लोगों को। वाओ, वी हैव फुल टाइम जॉब, तो कुछ लोगों को फुल टाइम जॉब मिल रही है, इनके हिसाब यहाँ पर करियर में अपने लिए नई जॉब ढूंढ रहे हो। वी हैव इंस्पिरेशन, ब्यूटिफुल, लॉ ऑफ एक्शन, मैंने आपको बोला यहाँ पर कि आप यहाँ पर पेंडिंग वर्क नहीं रख सकते, लॉ ऑफ एक्शन आपके लिए एक्टिव है इस मंथ में। एंड देन वी हैव नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ, सो डेफिनेटली जेमिनी आपके लिए एक नया चैप्टर कह लीजिए लाइफ का शुरू हो रहा है, एक आगाज़ है न्यू बिगनिंग का, एक नए चैप्टर का, और ऐसा लगता है कि इस मंथ के बाद आप पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले। ओके, मेजर डिसीजंस हैं, मेजर एंडिंग्स हैं, मेजर कंप्लीशंस हैं आपके लिए, और उसके साथ यू नो एक नया चैप्टर, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नए इमोशंस हैं आपके लिए। ओके, और गाइस, मैं इस रीडिंग को यहीं पर एंड करती हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप मेरे साथ यहाँ पर ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप करना चाहते हैं, जो कि 28 तारीख से शुरू हो रही है, ज़्यादा दिन नहीं है, तो जल्दी से साइन अप कर लीजिए। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं डिटेल्स के लिए या इनरोलमेंट के लिए ihiltarot@gmail.com पर। ऑलराइट, तो यस, ये स्टाइल भी आपको कैसा लगा रीडिंग का, क्योंकि पहले हम एक ही पाइल को बनाकर रीडिंग करते थे, इस बार हमने अलग अलग रीडिंग की है हर साइन के लिए। अगर आपको ये स्टाइल पसंद आया है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, अगर आप कुछ और सजेस्ट करना चाहते हो तब भी ज़रूर कीजिएगा, हम नेक्स्ट टाइम उसको भी यू नो करने का डेफिनेटली सोचेंगे। ओके, ऑलराइट गाइस, मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। हाय पाइल थ्री, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये रीडिंग है हमारे वाटर साइंस के लिए, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो के लिए। सो लेट्स सी आपके लिए ये जो नया मंथ है, मई का महीना, ये कैसा रहेगा। सो वाटर साइंस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य, कैंसर, बी रियल, पाइसिस, नो योर वर्थ, एंड स्कॉर्पियो, ब्रेथ थ्रू टेंशन। ऑल राइट, सो कैंसर आपके लिए बेसिकली ये गाइडेंस का कार्ड मैं आपके लिए मानूंगी। आपके लिए सुझाव यही है कि बी रियल, बी ऑथेंटिक, ओके, फेक नहीं करना कुछ भी। अगर आप किसी को कोई प्रॉमिस दे रहे हो तो उस प्रॉमिस को निभाइए। ओके, अगर आप किसी से कुछ शेयर कर रहे हो तो सच शेयर कीजिए, बी रियल। बेसिकली ये मैसेज इस चीज़ को लेकर भी हो सकता है कि ये मंथ में आपको अपनी शैडो को भी रिलीज़ करने की ज़रूरत है। शैडो सेल्फ क्या होती है? बेसिकली हमारी सर्वाइवल सेल्फ, ओके, जो बेसिकली हम इसीलिए क्रिएट करते हैं ताकि हम सर्वाइव कर सकें, क्योंकि कभी कभी हमें डर होता है कि अगर हमने अपनी रियल सेल्फ दिखाई तो हमको लोग जज करेंगे, लोग हमारे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे, तो उसको हम सप्रेस करने लगते हैं और अपनी शैडो सेल्फ को क्रिएट करने लगते हैं। लेकिन इस मंथ में आप अपनी शैडो से यू नो ऑपरेट नहीं कर सकते लाइफ को, बल्कि आपको अपनी रियल ऑथेंटिक सेल्फ, जो कि वल्नरेबल भी है, जो कभी स्ट्रांग भी होती है, यू नो जिसको गुस्सा भी आता है, जो माफ़ भी कर सकती है, जो कभी कभी ग्रजेस भी रखती है, जो भी आपकी सेल्फ है बेसिकली, आपको उसे चैनल करना होगा। ओके, यही आपके साथ बेसिकली अलाइनमेंट में है और यही आपको यहाँ पर फ्रूटफुल रिजल्ट्स जो हैं इस मंथ में दे सकती है। ओके, पाइसेस आपके लिए है नो योर वर्थ, आपके लिए भी बेसिकली गाइडेंस ही है कि अपनी यू नो वर्थ को पहचानिए। ओके, यहाँ पर एक मैसेज कॉम्प्रोमाइज़ करने को लेकर आ रहा है। अगर यहाँ पर आपको कोई
प्रेशर भी कर रहा है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, या आपसे वो करवा रहा है जो वो चाहता है लेकिन आप नहीं चाह रहे, तो आपको इन सभी साइंस को, ये बेसिकली रेड साइंस हैं, रेड सिग्नल्स हैं जिनको आपको यू नो रिकॉग्नाइज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो भी हो रहा है ये दरअसल इसीलिए आपके साथ हो रहा है क्योंकि सामने वाले को लग रहा है शायद आप वर्दी नहीं हो, या फिर आप ये इस तरीके से होने दे रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप वर्दी नहीं हो, लेकिन ये सच नहीं है। आप एक वर्दी हो, आप यू नो सेल्फ लव को लेकर वर्दी हो, आप यहाँ आपकी वैल्यू को लेकर वर्दी हो, रिस्पेक्ट को लेकर वर्दी हो, तो यस प्लीज़ अपनी वर्थ को पहचानिए और किसी को भी खुद को हर्ट मत करने दीजिए। ओके अगर हम यहाँ पर स्कॉर्पियो की बात करें, ब्रेथ थ्रू द टेंशन, तो आपके लिए यहाँ पर बेसिकली एक हीलिंग टेक्निक वो बता रहे हैं प्राणायाम की। ऐसा लगता है कि स्कॉर्पियो ये काफ़ी स्ट्रेसफुल मंथ हो सकता है आपके लिए, बहुत सारी टेंशन आप यू नो बेफिजूल की क्रिएट कर सकते हैं, यू नो बेफिजूल की बिना बात की, तो उससे बचने का यू नो सल्यूशन क्या है कि या तो आप यहाँ पर डेली प्राणायाम करें, उससे क्या होगा कि आप ये जो बेफिजूल की टेंशन है उसे नहीं क्रिएट करेंगे, और इन केस अगर मान लीजिए ये हो भी जाती है तो उस समय भी आपको पॉज लेना है और थोड़ा सा प्राणायाम अपने श्वास के साथ जुड़ना है, यू नो खुद को ऐसा महसूस करवाना है कि अभी मैं ज़िंदा हूँ, ये जो थॉट है ना इसके साथ जुड़िए कि अभी मैं ज़िंदा हूँ, अभी नब्स चल रही है मेरी दिल की धड़कन चल रही है, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ, यू नो क्योंकि कोई ना कोई यहाँ पर हिडन नॉलेज या कह लीजिए हिडन गाइडेंस है आपके लिए। जैसे ही आप इसके साथ कनेक्ट करोगे इस लाइक कुछ रिवील होगा, कुछ सामने आएगा आपके लिए। ओके सो यस ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी से ही हम आपके टैरो से देखते हैं कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो के लिए टैरो से क्या गाइडेंस है। ऑलराइट थैंक यू वेरी मच कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, वन मोर टाइम प्लीज एंड शून्य। कैंसर वी हैव डेथ कार्ड एंड वी हैव सिक्स ऑफ कप्स, और हमारे पाइसेस साइन के लिए है द टावर एंड देन वी हैव टेन ऑफ पेंटिकल्स। स्कॉर्पियो आपके लिए है Five of Swords and then we have Queen of Pentacles. Bottom of the deck में है Four of Cups की energy. तो yes, हमारे water signs Cancer, Pisces, Scorpio के लिए ऐसा लगता है कि कोई divine opportunity, second chance के रूप में इस month में आएगी आपकी life में. Okay, second chance, जिसे basically हम wild card entry भी बोलते हैं, या कभी कभी कुछ opportunities को हम पहले गवा देते हैं लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से दोबारा हमारी life में present होती हैं, right? तो ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है Cancer, Pisces, स्कॉर्पियो, तीनों के लिए मैं ये बोल रही हूँ। इस चीज़ की मेक श्योर कीजिए कि आप इसको पहचानिएगा। आप इसको पहचान कैसे सकते हैं, ये जो भी अपॉर्चुनिटी होगी इसके इर्द गिर्द कोई ना कोई एंजेलिक एनर्जी, कोई ना कोई एंजल नंबर की एनर्जी होगी, और इस तरीके से आपको एग्जैक्टली पता होगा कि अच्छा ये वो अपॉर्चुनिटी है जिसे मुझे येस कहना है। ओके मेडिटेशन भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी इस मंथ में। अगर हम यहाँ पर कैंसर की बात करें, आपके लिए है डेथ कार्ड और यहाँ पर है सिक्स ऑफ कप्स। ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास्ट को लेकर, हम सभी यू नो अपने पास्ट को किसी न किसी नज़र से देखते हैं, ज़्यादातर लोग अपने पास्ट को तकलीफ सफरिंग के रूप में ही देखते हैं, यू नो उसमें चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, बचपन की कोई ख्वाहिश कोई सपना अधूरा रह गया उसका कोई ट्रॉमा हो सकता है, राइट? ये जनरेशनल कर्मा या जनरेशनल ट्रॉमा से जुड़ी हुई ऊर्जा भी हो सकती है। बट ऐसा लगता है कि ये मंथ में ना इन सभी चीज़ों की एक बहुत बड़ी, ये बहुत सारी चीज़ें डेथ से गुजरेंगी। डेथ यहाँ पर बेसिकली एक स्पिरिचुअल डेथ की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम अपने ओल्ड एनर्जीज़ को या फिर हमारी ओल्ड सेल्फ को पीछे छोड़ते हैं, ओल्ड माइंडसेट को पीछे छोड़ रहे हैं और एक नई सेल्फ में टैप इन कर रहे हैं, एक नए शरीर को धारण कर रहे हैं। ओके एक नए विचार में धारण कर रहे हैं। तो ये ऐसा लगता है बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। आप जिस तरीके से अपने पास्ट को देखोगे एक किस्म का पीस क्रिएट करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हो। ओके और ऐसा भी लगता है कि विद द सिक्स ऑफ कप्स एनर्जी आप बहुत सारे पास्ट से ऐसी अच्छी हसीन मेमोरीज़ को भी इकट्ठा करोगे और उसमें से लेसन्स ढूंढने की कोशिश करोगे जिसमें दरअसल आप खुश थे, यू नो पास्ट में कुछ ऐसे मोमेंट्स जहाँ पर आप दरअसल खुश थे, सुखी थे, यू नो कंट्रोल में थे,
आप उसी वर्जन को यहाँ पर पुकारोगे और उसी वर्जन को यहाँ पर चैनल करोगे और वो आपकी करंट सिचुएशन में भी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करेगा। ओके, साथ ही साथ ऐसा लगता है कि रिकंसिलिएशन के चांसेस भी हैं कैंसर साइन के लोगों के लिए। अगर आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो यस, वो स्पिरिचुअली यहाँ पर मैनिफेस्ट हो सकते हैं। ओवरऑल ये बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही कह लीजिए ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी है। ओके, लेकिन आपको भी यहाँ पर रियल एनर्जी को ही क्लेम करना होगा, आप फेक नहीं कर सकते कुछ भी। पाइसिस, आपके लिए द टावर और टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। टावर अपने आप में एक ऐसा कार्ड है जिसको देखकर बहुत सारे लोग जो है तिलमिला उठते हैं या फिर यू नो सोचने लगते हैं कि ओह माय गॉश मेरी रीडिंग में टावर कार्ड आ गया। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे ये कार्ड बहुत पसंद है क्योंकि मैं इस कार्ड को वैसे नहीं देखती जैसे आमतौर पर लोग देखते हैं। यू नो सी मर्करी रेट्रोग्रेड, मेरे शब्द इधर उधर हो रहे हैं, प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। सो टावर एक दरअसल ऐसा कार्ड है जो एक किस्म का डिवाइन इंटरवेंशन है। यू नो ये एक वो ऊर्जा है जहाँ पर चीज़ें अब हमारे बस में नहीं हैं, तो इस वजह से डिवाइन जो है सिचुएशन को अपने हाथ में ले रहे हैं और वो वही कर रहे हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओके, और टावर क्या दर्शाता है? ऐसी फाउंडेशंस से यू नो ऐसी फाउंडेशन का गिरना जो मजबूत थी ही नहीं, ऐसे रिश्तों का अंत होना जो कभी रिश्ते थे ही नहीं, दिल से जुड़े हुए रिश्ते थे ही नहीं, ऐसे सिचुएशंस को एंडिंग मिलना जो हमारे हित में कभी थी ही नहीं, इस चीज़ की हमने सोचा कि ये चीज़ मुझे सर्व करेगी लेकिन कर नहीं रही। यू नो तो डिवाइन हमारे ऊपर एक ब्लेसिंग के रूप में यू नो एक उपकार कर रहे हैं कि ओके ये चीज़ तुम्हें सर्व नहीं कर रही तो चलो इस चीज़ को मैं तुम्हारी लाइफ से बाहर कर देता हूँ। ओके, एक किस्म की पॉजिटिव सुनामी का कार्ड है ये कि एक पॉजिटिव सुनामी आई और सब कुछ बहा कर ले गई जो वो हालांकि बेसिकली वो चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही। ओके, तो ये ऐसी एक कह लीजिए कि इंटेंस एनर्जी है लेकिन इसमें जितना सरेंडर मोड में रहोगे उतना ही अच्छा है। ओके, टेन ऑफ पेंटिकल से आपकी फैमिली में बहुत सारी अबंडेंस और हैप्पीनेस आती हुई नज़र आ रही है। फैमिली रिलेशनशिप में लॉयल्टी बहुत विटनेस करोगे आप और आपको लगेगा कि ओके मेरी फैमिली एक पॉजिटिव यू नो हालत में है और उससे आप काफ़ी इंस्पिरेशन ले सकते हो, उससे आपको काफ़ी बल भी मिलेगा अपनी लाइफ को भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज और थोड़ा सा अबंडेंट बनाने का। करियर में भी आप यहाँ पर बहुत ही गुड सैलरी या फिर प्रमोशन या फिर यू नो अच्छी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ को भी अट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, तो यस, टेन ऑफ पेंटिकल से मनी वाइज ये मंथ आपके लिए बहुत सॉलिड होने वाला है। ओके, अगर स्कॉर्पियो की बात करें यहाँ पर है फाइव ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है कि ये जो ट्रेंड टेंशन और स्ट्रेस का समय है ये बेसिकली फाइव ऑफ सोर्ड्स से ही पैदा हो सकता है। ये सोचते रहना कि मैं कहाँ कहाँ हारा, हार जीत सभी के लिए है, ट्रस्ट मी, ड्यूअलिटी में हम बैठे हैं, ये जो ह्यूमन लाइफ है इसमें ड्यूअलिटी है, राइट? तो हार जीत सभी के लिए है लेकिन आपकी गलती इस मंथ में जो आप कर सकते हो स्कॉर्पियो वो यही है कि आप हार के बारे में ज़्यादा सोचोगे। ओके, ओवर थिंकिंग जो है आपको टेंशन और स्ट्रेस से भर सकती है, कहीं ना कहीं कंपैरिजन में भी आप जा सकते हो, तो प्लीज़ इस एक चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। डिफीट हुई है अगर आपकी, ठीक है उसे एक्नॉलेज कीजिए लेकिन उसको खुद के ऊपर हावी मत होने दीजिए और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं उस थॉट को, अपनी डिफीट के थॉट को अपने सक्सेस के थॉट के साथ यू नो रिप्लेस कर दीजिए। अपने आप को फोर्सफुली ये सोचने पर मजबूर कीजिए कि हाँ मेरी जीत कहाँ पर हुई थी, मैं जीता कब कब लाइफ में, वो छोटी जीत है बड़ी जीत है डजेंट मैटर, लेकिन बस हमें उस सिचुएशन को बैलेंस करना है। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये कर सकते हैं। एक्स अगर कोई लौटे, मुझे ऐसा लगता है कि आपको उनको अपनी लाइफ में वेलकम नहीं करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ड्रामा लेकर आपकी लाइफ में आ सकते हैं, तो एक्स को यहाँ पर नो कहने में ही भलाई है। क्वीन ऑफ पेंटिकल से ऐसा लगता है यस आपकी भी वर्क सिचुएशन काफ़ी सॉलिड रहेगी, मनी आप बहुत अट्रैक्ट करोगे और जो अट्रैक्ट करोगे जो पैसा कमाओगे उसे बहुत अच्छे से संभाल भी पाओगे। ओके, तो इस मंथ में आप जो खर्चे होते हैं बेफिजूल के उसको बिल्कुल अवॉइड करने वाले हो और बहुत सक्सेसफुली करने वाले हो, सेविंग्स आपके ज़्यादा सॉलिड रहेंगी इस मंथ में। ओके, तो यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स नरिशमेंट नर्चरिंग एनर्जी, जहाँ पैसा खर्चना है वहाँ खर्चना और जहाँ नहीं वहाँ नहीं।
ओके ऑलराइट, इसी से ही हम थोड़ी सी और गाइडेंस देखते हैं आपके लिए कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो के लिए. ऑलराइट, कैंसर आपके लिए कार्ड आया है गेट बैक इनटू बैलेंस. यस, इट्स लाइक कि एक चीज को हम अगर खींचना शुरू कर दें, यू नो, कोई थॉट भी हो मान लीजिए, अगर उसको हम ओवर थिंकिंग में बदल दें, उसके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगे, तो वो भी समस्या ही पैदा करता है. राइट, तो ये इसी तरीके से आपकी लाइफ में अगर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा समय ले गई और बहुत सारी आपकी ऊर्जा ले गई, तो अब समय है इन चीज़ों को रिलीज़ करके बैलेंस में दोबारा आने का. ओके, यहाँ पर पाइसिस के लिए क्या मैसेज है? रिकॉल योर ड्रीम्स. स्पाइसिस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने सपनों को ज़िंदा रखें या अपने सपनों के बारे में दोबारा से सोचें. अगर यहाँ पर कोई ऐसी विश फुलफिलमेंट्स आपकी अधूरी रह गई, यू नो, तो खुद से दोबारा पूछिए कि क्या मैं इसके रिगार्डिंग अब एक्शन ले सकता हूँ. शायद वो पहले वो समय नहीं था अपनी विशेस को पूरा करने का, लेकिन क्या आज वो समय है अपनी विशेस को पूरा करने का, और क्या मैं उसके रिगार्डिंग कोई एक्शन ले सकता हूँ. ओके, इस चीज़ के अपने सपनों को मरने मत दीजिए, अपने सपनों को जिंदा रखिए. ओके, स्कॉर्पियो के लिए क्या गाइडेंस है? हील योर हार्ट. ओके, सो यस, बहुत सारी परेशानी या स्ट्रेस इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि आप, यू नो, थोड़े से कह लीजिए कि हर्ट हो, यू नो, जीवन कठोर हो सकता है. ह्यूमन लाइफ डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट है, यू नो, खास करके जिस सिस्टम में आज हम रह रहे हैं, टफ है लाइफ, नो डाउट, यू नो, कुछ ना कुछ आ ही जाता है जो हमें हर्ट कर देता है. बट यस, अगर हम इन चीज़ों को लेकर अपनी अवेयरनेस बढ़ाएं और अपनी हीलिंग पर ध्यान दें, खास करके आपके लिए है अपने हार्ट चक्रा को हील करना. हार्ट चक्रा बीज मंत्र की हीलिंग कर सकते हैं आप, या फिर सिंपली, यू नो, अपने आप को ये रिमाइंडर देके कि यस, ये शोर है, लेकिन इसके साथ साथ, यू नो, मैं प्यार हूँ, मैं यहाँ पर प्रेम हूँ, मैं यहाँ पर भक्ति हूँ. अपनी आइडेंटिफिकेशन बेसिकली पॉजिटिव चीज़ों के साथ जोड़ना, और इस तरीके से आप अपने हार्ट चक्रा को हील कर सकते हैं. ओके, ये बेसिकली गाइडेंस है आपकी. आर्कएंजल से भी क्या मैसेज है वो भी देख लेते हैं. कैंसर, कैंसर के लिए क्या मैसेज है? ट्रांसफॉर्मेशन. आर्कएंजल ज़ड़कील, थैंक यू ज़ड़कील फॉर सपोर्टिंग मी टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम माय पास्ट चैलेंजेस. सो डेफिनेटली आपके लिए पूरी रीडिंग ही, जैसे कह लीजिए, सेम मैसेज दे रही है. बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पास्ट को लेकर. ओके, पास्ट के चैलेंजेस को लेकर आप जिस तरीके से अपने पास्ट को देखते भी हैं, उस नज़रिए में भी एक बदलाव है. ओके, सो यस, एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपका इंतज़ार कर रही है. कैंसर, पाइसिस के लिए क्या मैसेजेस है? हेल्दी चॉइसेस. थैंक यू एंजल्स फॉर गाइडिंग मी टू मेक हेल्दी चॉइसेस. मेक श्योर कीजिए कि आप जिन चीज़ों को चूज़ करें, जिसमें भी अपनी एनर्जी लगाएं, इन्वेस्ट करें, वो चीज़ें पॉजिटिव हों. अगर आप कोई गाना भी सुन रहे हैं तो वो एक पॉजिटिव गाना होना चाहिए. ऐसा नहीं कि वो आपको डिप्रेस्ड, यू नो, डिप्रेशन से भर रहा है. हेल्दी चॉइसेस में बॉडी को लेकर, फूड को लेकर भी हेल्दी चॉइसेस को अपनाना बहुत अच्छा रहेगा. ओके, योगा भी आ रहा है आपके लिए. स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है? ओह ब्यूटिफुल, वी हैव द मिरेकल ऑफ नेचर. थैंक यू एंजल्स फॉर हेल्पिंग मी टू रिकनेक्ट थ्रू नेचर एंड फ्रेश एयर. एयर, ब्रीदिंग अगेन. यस, स्कॉर्पियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने श्वास, अपनी ब्रीदिंग को भी क्लीन करना. प्राणायाम उसमें बहुत मदद करता है. खिड़कियां दरवाजे खोलिए ताकि अंदर ताज़ी हवा भी आए. ओके, और नेचर के द्वारा आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, सेल्फ रियलाइजेशन करोगे. ओके, काफ़ी मिराकुलस मंथ भी हो सकता है, खास करके जब आप अपने समय को नेचर के साथ स्पेंड करोगे. ओके, ऑलराइट, यहाँ पर चैनल्ड मैसेजेस क्या हैं? सबसे पहले कैंसर के लिए One more time, please. And Shanya, fruits of your labor. आपकी मेहनत का फल इंतज़ार कर रहा है मई के महीने में. कैंसर,
फिर है अनस्टॉपेबल, यस। अब समय है अपनी शारों से बाहर आकर अपने बेस्ट वर्जन में टैप इन करने का, अपने रियल वर्जन में टैप इन करने का। तो कैंसर अनस्टॉपेबल एनर्जी में है। डेकोरेट योरसेल्फ, खुद को सुंदर बनाना, भक्ति, यस, स्पिरिचुअल पाथ, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं। डिस्टेंस, अगर यहाँ पर रिकन्सिलिएशन की भी बात करें, काफ़ी समय से कोई सेपरेशन थी, काफ़ी दूर हैं अगर आप अपने पार्टनर से भी, तो आई बिलीव उसके रिगार्डिंग भी एक पॉजिटिव ब्लेसिंग है कि वो दूरी कम होगी। एंड येस, वी हैव एनसेस्टर्स ब्लेसिंग। मैं डेफिनेटली आपको ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप को अटेंड करने को बोलूँगी, क्योंकि आपके लिए एनसेस्टर्स की तरफ से ब्लेसिंग आ रही हैं। तो आपको डेफिनेटली ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप करनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर कोई साइन ढूंढ रहे थे, तो बेसिकली ये आपका साइन हो सकता है। ओके, पाइसिस, सी मर्करी रेट्रोग्रेड है इस वक्त और मेरे शब्द इधर उधर हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हंस रहे हों कि नाजाज कैसे बोल रही है। इस चीज़ की मेरा कंट्रोल नहीं है, मेरे मर्करी रेट्रोग्रेड का मेरे ऊपर असर पड़ता है। तो यस, ये दिख रहा होगा आपको अच्छे से। पाइसिस के लिए है फॉरेन स्टडी वीज़ा अप्रूवल है आपके लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड देन वी हैव अवेकन्ड सोल, डेफिनेटली बिग अवेकनिंग है आपकी वर्थ को लेकर और डिवाइन इंटरवेंशन भी है यहाँ पर। स्विच वर्ड्स आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब मोहर है कुछ लोगों के लिए, ये कॉन्ग्रेचुलेशंस। जस्टिस, आपको जस्टिस मिलेगा इस मंथ में। एक्स्ट्रा मनी मिल रही है आपको, टेन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा भी मनी को दर्शाती है। एंड देन वी हैव स्टेबिलिटी, ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेजेस हैं? अनलर्निंग, बहुत सारी चीज़ें जो आपने अतीत में सीखी, लेकिन शायद अब आपको उसे अनलर्न करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपकी आगे की ग्रोथ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो समय समय पर वो सेल्फ रिफ्लेक्शन करते रहना, खुद से पूछते रहना कि हाँ, ये जो मेरा बिलीफ सिस्टम है, क्या ये मुझे सर्व कर रहा है, तो यस, अनलर्निंग। 786 एंजल नंबर कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये अमाउंट आपको मिल सकती है इस मंथ में। कंग्रेचुलेशंस, ब्यूटिफुल, कोई बधाई मिल सकती है आपको। डॉल्फिन लव, सोलमेट एनर्जी है यहाँ पर। एमेथिस्ट प्लस दास्तान, आपके लिए एमेथिस्ट क्रिस्टल आ रहा है, आपकी इंट्यूशन को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। आपको डेफिनेटली एमेथिस्ट के साथ काम करना चाहिए। एंड देन वी हैव फीनिक्स एनर्जी, बेसिकली दोबारा से राइज करना, अपनी सिचुएशन में दोबारा से उठना, फिर चाहे हम शुरू से ही शुरू क्यों ना करें, लेकिन एक दोबारा मौका देना खुद को। एंड देन वी हैव आर्ट गैलरी, आई बिलीव आर्ट आपको काफ़ी सर्व कर सकती है इस मंथ में स्कॉर्पियो। गुड आर्ट थॉट प्रोवोकिंग हो सकती है, गुड आर्ट। सो अगर आप अपने आप को एक्सपोज कर सकें अच्छी आर्ट के प्रति, तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, ऑलराइट गाइस, मैं इस रीडिंग को यहाँ पर एंड करती हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, www.shinyacreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप मेरे साथ ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप करना चाहते हैं, तब उसके लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihiltarot@gmail.com पर। ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 28 अप्रैल से ये शुरू हो रही है, इंडिया के मुताबिक 29 अप्रैल है। तो यस, प्लीज़ आप मुझे ईमेल कीजिए और अपनी सीट को बुक कीजिए। ओके, और गाइस, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 4, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये रीडिंग है हमारे अर्थ साइंस के लिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन के लिए। सो लेट्स सी आपके लिए मई का महीना कैसा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शनि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ऑलराइट, सो टॉरस आपके लिए मैसेज आ रहा है, पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटी। टॉरस, इस मंथ में बहुत सारी इनसिक्योरिटीज आपकी हाईलाइट हो सकती हैं,
ओके ये ब्यूटी से जुड़ी हुई इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, रिलेशनशिप्स को लेकर इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, इनको ना फेस करना, ओके इनको ऐसे दबाने की कोशिश मत करना या फिर ये कहना कि नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं हूँ। अगर आप वो महसूस कर सके कि यस वो मुझे इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है तो उसे एक्नॉलेज करना, ओके क्योंकि ये मंथ में दरअसल आप इन इनसिक्योरिटी से आगे निकल सकते हो। अभी तक ये इनसिक्योरिटीज़ आपको दबा कर रखे हुए थी या फिर आपको कंट्रोल कर रही थी, लेकिन इस मंथ की जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपकी साबित हो सकती है कि जैसे ही आप इनसिक्योरिटीज़ को एक्नॉलेज करते हो आप एक जंप लोगे, ओके जैसे ये इनसिक्योरिटी मान लीजिए दीवार है और अभी तक वो आपके सक्सेस के आड़े में आ रही थी, लेकिन इस मंथ में आप इसे जंप करने वाले हो, ओके सल्यूशन क्या है कि अपनी इनसिक्योरिटीज़ को इग्नोर नहीं करना या सप्रेस नहीं करना या फिर ऐसा नहीं बोलना कि नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं हूँ, अगर हो तो उसे प्लीज़ एक्नॉलेज करो, ओके टॉरस के बाद यहाँ पर है वर्गो के लिए कार्ड और आपके लिए है रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज़। आपको थोड़ा सा ना सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा इस मंथ में वर्गो। बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम करने हैं आपको ऑलरेडी, यू नो वर्गो एक ऐसा साइन जिसे ऑर्गेनाइज रहना बहुत पसंद है, लेकिन इस मंथ में आपको समझना होगा कि कौन सा काम मैं पहले नंबर पर रखूंगा और कौन सा सेकेंड नंबर पर, कौन सा थर्ड नंबर पर, ओके तो आपको जैसे एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है और उसी तरीके से आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं अपनी लाइफ से जुड़े हुए अलग अलग भागों को। आप ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ को पहले नंबर पर रखोगे, अगर आप ऐसा करोगे तो आप बहुत ओवर स्टिमुलेटेड रहोगे, भरे भरे से रहोगे और आपको ऐसा लगेगा कि एट द एंड ऑफ द डे कि ओ माय गॉश मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, ओ माय गॉश मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, यू नो मैं इतना ट्रिगर्ड क्यों हूँ, मैं इतना एंग्शियस क्यों हूँ, क्योंकि आपने हर चीज़ को ही प्रायोरिटी दे रखा है। लेकिन ये आप नहीं कर सकते इस मंथ में, ओके प्रायोरिटाइज कीजिए कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कौन सी चीज़ें कम इम्पॉर्टेंट हैं, किन चीज़ों को आपको करना ही करना है और किन चीज़ों को आप बेसिकली अगर थोड़ा सा छोड़ भी दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके ये अप्रोच, ये सिस्टमैटिक अप्रोच ही आपको सर्व कर सकती हैं, ओके फिर है हमारे पास यहाँ पर कैप्रिकॉन और आपके लिए है स्टेप इनटू योर पावर। सो कैप्रिकॉन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी पर्सनल पावर को पहचानें, ओके आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, आप क्या यकीन करते हो, आपके क्या बिलीफ सिस्टम है, लोगों को पता लगने दो, खुद को भी पता लगने दो, ओके यहाँ पर इस मंथ में ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि आप अपनी बॉडी की भी सुने, आपकी बॉडी भी आपको एग्जैक्टली बताएगी कि कौन सी चीज़ें या कौन से वो लोग हैं जिनके साथ आप यू नो पावरफुल महसूस करते हैं या फिर कौन से वो लोग हैं जो आपको ड्रेन करते हैं, ओके तो ये छोटे छोटे जो साइंस है ना इनको इग्नोर मत करना। ये मंथ है अपनी पर्सनल पावर में टैप इन करने का, अपनी मन की करने का, ओके ऑलराइट मैं इसी से ही आपके लिए टैरो से क्या गाइडेंस है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के लिए। थैंक यू टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, One more time, please. And Shanya. Taurus, आपके लिए है the Fool card. And then we have Ace of Pentacles. बहुत सारी new beginning. मैंने बोला ना आपको jump लोगे आप बहुत बड़ी. वो जो मैं insecurity का आपको बता रही थी ना वो यहाँ tarot cards में भी दिखता है. वर्गो के लिए है पेज ऑफ कप्स एंड टू ऑफ कप्स, कैप्रिकॉर्न के लिए है फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में है द डेविल की एनर्जी। ओके तो यस यहाँ पर मैं टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न को जो लाइफ की नेगेटिव साइड होती है हमारी उसके बारे में मैसेज देना चाहूँगी और ये बेसिकली तीनों के लिए मैसेज है। ये यही है कि इस डेविल को पहचानो, इसके साइंस को पहचानो। इस मंथ में बहुत सारी चीज़ें रिवील होंगी, बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स आपको पता चलेंगे कि अच्छा ये डेविल है मेरी लाइफ का, ओके ये सिचुएशन डेविल की एनर्जी से भरी हुई है, तो बस उसके रिगार्डिंग एक्शन लेना है। पावर, स्ट्रेंथ, बुद्धि सब अवेलेबल है आपके पास, ओके आपको गाइडेंस भी मिल रही है, इस चीज़ की इसको पहचानो,
ओके, इसको पहचानो, इसके साथ इसको अब अपनी लाइफ से बाहर निकालना है, इसको हावी नहीं होने देना, ओके ऑलराइट। तो टॉरस के लिए बात करते हैं। टॉरस आपके लिए है द फूल कार्ड एंड देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले एक लीप ऑफ फेथ लेते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हो। बहुत सारी चीज़ें जो आप टाल रहे थे सेल्फ डाउट की वजह से, या फिर लेजीनेस की वजह से, या फिर आपके सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस भी हो सकते हैं, जहाँ पर आपको है कि आप कोई अच्छे काम करने से डरो, या उसको आप सेल्फ सेबोटाज भी बोल सकते हो। तो ये जो भी चीज़ें हैं ना, ये भाग रही हैं इस मंथ में आपकी लाइफ से। तो कंग्रेचुलेशंस, आप लीव ऑफ फेथ ले रहे हो और उसकी वजह से आप बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स को वेलकम कर रहे हो, डिवाइन ब्लेसिंग्स को यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, एस ऑफ पेंटिकल से मैं एक चीज़ बेसिकली आपको एक सुझाव यहाँ पर बेसिकली यही देना चाहूँगी, उन्हीं डिवाइन बिगनिंग्स को यस कहिए जिनको आप अपना 100% दे सकते हो। ओके, या फिर अगर आपको ऐसी ब्लेसिंग मिल रही है तो अपने दिमाग में ये ठान के चलिए कि इसको आपको अपनी पूरी कमिटमेंट देनी है, इसको आप फेल नहीं कर सकते। ओके, तो ऐसा एटीट्यूड आपको काफ़ी सर्व कर सकता है। करियर में डेफिनेटली न्यू जॉब या फिर इंक्रीमेंट किसी किस्म का, प्रमोशन भी हो सकती है। ओके, नया घर भी है कुछ लोगों के लिए। ओके, आप ट्रैवल कर सकते हो या मूव कर सकते हो। द फूल कार्ड, फिर से वही चीज़, एक लीप ऑफ फेथ लेकर एक नई जर्नी शुरू करना। इसकी फूल की खासियत यह है कि यह आउटकम से ज़रा अटैच नहीं होता, इसका काम है एक्सपीरियंसेस को गेन करना, अच्छे हैं बुरे हैं लेकिन बस एक्सपीरियंसेस को गेन करना, क्योंकि हर एक्सपीरियंस में लेसन है और इसी वजह से ये फूल है, क्योंकि ये ऐसे मापता नहीं है, ऐसे नापतोल सा नहीं करता, अच्छा ये अच्छा है ये बुरा है, इसलिए कि इसके लिए सारे बराबर हैं, क्योंकि इसके पास एक ऐसी हिडन विजडम मौजूद है जो इसे यही गाइड कर रही है कि है चाहे अगर एक्सपीरियंस बुरा ही क्यों ना हो, उसमें भी कोई ना कोई लेसन ज़रूर है, और इसी वजह से ये फूल होकर भी सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, राइट। तो यस, यही ऊर्जा आपके लिए अवेलेबल है, चीज़ों को बुरा अच्छा इस एंगल से देखने की जगह कि चीज़ों में लेसन क्या है इसको पकड़िए। ओके, और जैसे ही आप ये करोगे, आई बिलीव आपकी एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी है जो इस मंथ में शुरू होगी। ओके, हमारे वर्गो साइन के लिए है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी एंड देन वी हैव टू ऑफ कप्स की एनर्जी। आई बिलीव वर्गो, इस मंथ में आपकी शेयरिंग एबिलिटीज का टेस्ट होगा। ओके, आप कितना शेयर कर सकते हैं, खास करके आपका प्यार करना, आपका फॉरगिव करना, आपके टैलेंट्स को आप कितना कॉन्फिडेंस के साथ शेयर कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें बेसिकली आपको टेस्ट करने वाली हैं। ओके, और ये टेस्ट को अपनी ब्लेसिंग ही गिनिए, क्योंकि पेज का जो नेक्स्ट कार्ड होता है वो होता है नाइट ऑफ कप्स। तो इसलिए कि आप अपने एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन उस स्टेप में एक टेस्ट है आपकी शेयरिंग का। तो जितना हो सके जो भी अच्छाई आप दूसरों के साथ बांट सकें, शेयर कर सकें, ज़रूर कीजिएगा। ओके, पेजेस का कार्ड है, पेज का कार्ड है, तो ये लर्निंग के बारे में भी बताता है। इस मंथ में अगर आप कोई कुछ नया सीख सकें तो वो भी बहुत बेनिफिशियल होगा, वो दरअसल आपके कप को और भरेगा। ओके, आपका ये जो हीलिंग कप होता है हम सभी के लिए, उसको और भरेगा वो। ओके, फिर है टू ऑफ कप्स, ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, ये ऐसे रिलेशनशिप हैं जो सोल के साथ कनेक्टेड हैं, जहाँ पर दिल जुड़ा हुआ है। ओके, सोल मेट, सोल ट्राइब, सोल फ्रेंड, सोल सिस्टर, सोल ब्रदर, ये सारे रिलेशनशिप एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। इसके साथ ही बहुत सारी हीलिंग है आपकी, कि ऐसा लग रहा है कि आपका मन तसल्ली से भर रहा है कि चलो मेरी लाइफ में अच्छे रिश्ते हैं, एटलीस्ट मैं इस तरीके से ब्लेस्ड हूँ। ओके, और इस वजह से आप अपने आप को हील कर रहे हो। ओके, कोई लियो साइन का शख्स आपकी लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट रोल अदा कर सकता है, हीलिंग को लेकर, यूनियन को लेकर। आप यहाँ पर अगर किसी पर्सन में इंटरेस्टेड भी हैं, किसी के ऊपर क्रश है आपको, तो आप उस पर्सन के साथ अपने रिलेशनशिप को भी उसकी भी शुरुआत कर सकते हैं। ओके, ये रिलेशनशिप्स का भी कार्ड है। इसी से ही कैप्रिकॉन आपके लिए है फाइव ऑफ वॉन्स एंड थ्री ऑफ कप्स, अपने काम से मतलब रखना। कंपटीशन अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर कंपटीशन में हम अपनी स्पेस को खो दें, अपने टैलेंट्स को खो दें और सिर्फ ईगो से ऑपरेट करने लगें, तो वो वहाँ पर गड़बड़ करता है। तो यहाँ पर फाइव ऑफ वॉन्स वही एनर्जी है कि कॉम्पिटिशन को एक हेल्दी वे में
यू नो उसमें पार्टिसिपेशन ठीक है, लेकिन अनहेल्दी कॉम्पिटिशन से बचिएगा, क्योंकि ये शोर आपको आपकी एबिलिटीज आपको आपके टास्क से भटका सकता है. ओके, थ्री ऑफ कप से फिर से मैं यही मैसेज देना चाहूँगी. इस डेक में ये बात करता है कि अपने काम से मतलब रखना, अपने कप पर फोकस करना, मेरे हाथ में क्या है, मेरी क्या एबिलिटीज़ हैं. यू नो हम सभी की अपनी अपनी स्टोरी है, राइट? अपनी अपनी स्टोरी है, अपनी अपनी दास्ता है. तो अपनी स्टोरी को भी रिस्पेक्ट करते हैं हम जब हम बेसिकली अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर नहीं करते. जब हम अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करते हैं तब हम अपनी स्टोरी को भी इंसल्ट कर रहे होते हैं. हर इंसान हीरो है अपनी स्टोरी में, यू नो, चाहे उसकी स्टोरी कैसी भी हो. तो इसी वजह से अपनी लाइफ को कभी कंपेयर मत कीजिए. थ्री ऑफ कप से अपनी सेलिब्रेशन, अपनी खुशियों पर ध्यान दीजिए. ये कार्ड डेफिनेटली बताता है कि इस मंथ में आप किसी ना किसी किस्म की सेलिब्रेशन का हिस्सा ज़रूर बनेंगे, या आपकी वजह से सेलिब्रेशन का कोई ना कोई माहौल बनेगा. ओके, तो यस, एक पॉजिटिव अलाइनमेंट है. इस चीज़ की अपने काम से मतलब रखना, ये एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, ऑलराइट, मैं इसी से ही थोड़ी सी और गाइडेंस देना चाहूँगी. सबसे पहले टॉरस के लिए क्या गाइडेंस है. स्टार्ट फ्रेश, यस, ये तो बहुत ही परफेक्ट कार्ड है आपके लिए क्राइसकोला का. तो ये बताता है कि नई शुरुआत, यू नो, फूल, एस ऑफ पेंटिकल, अपने आप में नई शुरुआत है. तो शुरू से शुरू करना, एक सेकेंड चांस देना खुद को और कहना कि चलो मैं दोबारा से शुरू करता हूँ, मैं अपने आप को फ्रेश स्टार्ट देता हूँ. ओके, ये बहुत अच्छा रहेगा. हमारे वर्गों के लिए है फाइंड अ वे टू फॉरगिव. तो ऐसा लगता है कि आपको कुछ फॉरगिवनेस भी लगानी पड़ेगी इस मंथ में वर्गों. ओके, ये फॉरगिवनेस पर्सनल लेवल पर भी हो सकती है, खुद के लिए खुद को फॉरगिव करना या फिर अपनों को फॉरगिव करना. लेकिन यस, आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढना पड़ेगा फॉरगिवनेस का. आप इस ग्रज को, इस एंगर को कैरी नहीं कर सकते, ये आपको हर्ट कर रही है अंदर से. ओके, तो इसीलिए मैसेज है कि रास्ता ढूंढो, मिलेगा ज़रूर अगर ढूंढने की कोशिश करोगे. ओके, यहाँ पर कैप्रिकॉर्न के लिए क्या गाइडेंस है. शिफ्ट योर मनी माइंड सेट. और राइट, अगर यहाँ पर आप पैसे को लेकर भी बहुत ऑब्सेसिव हो रहे हो, उससे थोड़ा बचो. कभी कभी ऑब्सेशन जो होती है वो भी हमारी अबंडेंस को रोकती है. ओके, सो यस, पैसे के बारे में सोचना, पैसे को सेव करना, पैसे को अट्रैक्ट करना अच्छी बातें हैं, लेकिन ऑब्सेशन से बचिएगा. ओके, और राइट, यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं हमारे अर्थ साइंस के लिए. सबसे पहले टॉरस के लिए क्या गाइडेंस है. ट्रस्ट योर वाइब्स. थैंक यू एंजल्स, टुडे आई चूज टू ट्रस्ट माय इंट्यूशन एंड योर गाइडेंस. जितना हो सके इस मंथ में खुद की इंट्यूशन पर विश्वास दिखाना. आपकी इंट्यूशन बहुत ही एक्यूरेटली आपको गाइड करेगी. ओके, आप अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ भी बहुत कह लीजिए कि अलाइनमेंट में हो इस मंथ में. तो अगर आपको कोई स्पिरिचुअल साइन नज़र आता है, आप उस पर भरोसा कर सकते हो. ओके, वर्गो, लव योर जॉय. थैंक यू एंजल्स फॉर सपोर्टिंग मी एज आई फॉलो माय जॉय. अपनी खुशी को फॉलो करो, जहाँ आपकी खुशी है वो काम करो, उस पर्सन के साथ बैठो, वो चीज़ें करो. ओके, जहाँ खुशी नहीं है वहाँ उस चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं. कैप्रिकॉर्न, The miracle of forgiveness. Archangel Zermial. Thank you, Zermial, for helping me understand the process of forgiveness. Seems like कि इस मंथ में आप forgiveness को समझोगे. Forgiveness काम कैसे करती है. ओके, forgiveness लगाते कैसे हैं, forgiveness करते कैसे हैं. बहुत सारी wisdom, knowledge इस topic को लेकर available रहेगी और इसे आप utilize कर सकते हो अपने benefit के लिए. ओके, ऑल राइट, यहीं से ही हम कुछ चैनल्ड मैसेजेस लेंगे. सबसे पहले टॉरस के लिए. हैप्पीनेस, ब्यूटीफुल. डोनेट फूड आपके लिए आ रहा है कि थोड़ा खाना दान कीजिए. सक्सेस है आपके लिए. चांट मंत्रा, आपका कोई भी फेवरेट मंत्रा है तो उसे चांट कीजिए. स्ट्रेंथ अवेलेबल रहेगी आपके लिए. ग्रीन तारा ब्लेसिंग भी आ रहे हैं तो आप ग्रीन तारा मंत्र का भी जाप कर सकते हैं.
और आपके लिए मैसेज है, हो जाएगा यार। इट्स लाइक कि आपकी हायर सेल्फ कह रही है, अगर कोई चीज़ मुश्किल लग रही है तो ये समझ के चलो, जान के चलो कि तुम उसे कर लोगे, हो जाएगा यार। ओके, ऑल राइट। यहाँ पर वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं? सेज बाथ, तो आपको जो सेज स्टिक होती है उससे धुआं बनाना चाहिए और उसको अपने आप को देना चाहिए। ओके, सेज बाथ बोलते हैं उसे, क्लेंजिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। क्लैरिटी, ओके, आपको क्लैरिटी मिलेगी इस मंथ में जिन चीज़ों को लेकर आप कंफ्यूज्ड हो। रिवॉर्ड्स हैं आपके लिए, मनी आ रही है। प्योर सोल्स, बहुत ही पॉजिटिव सोलमेट, सोल ट्राइब फैमिली जो है आपकी, उस उनके साथ कनेक्शन का आपको मौका मिलेगा, तो प्योर सोल्स के साथ आप कनेक्ट करेंगे। वीगन फूड, हेल्दी फूड, मैजिकल पावर्स, यू नो, कुछ अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को आप डिस्कवर कर सकते हो। वीगन फूड बेसिकली, जैसे मैंने अभी बोला, हेल्दी फूड, राइट? पॉसिबल है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग वीगन फूड को हेल्दी फूड ना गिने, तो मैं अपनी स्टेटमेंट को वापस लेना चाहूँगी। वीगन फूड बेसिकली कुछ लोगों के लिए साइन है कि अगर आप सोच रहे हैं वीगन फिलॉसफी को फॉलो करने का, तो यस, ये कार्ड आपका साइन है। ओके, ओशन टाइड, सो यस, कुछ नई लहरें उठ रही हैं, यू नो, ये मुझे बहुत ही कैसी ऊर्जा के बारे में बात करती है जो बहुत मैजिकल है, जो कुछ लेकर आ रही है अपने साथ, क्योंकि लहरें कुछ ना कुछ लेकर आती हैं, तो अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस हैं। ओके, कैप्रिकॉन, फेम, ब्यूटिफुल, सेक्रेट स्पेस, तो ऑल्टर्स बनाना, ऑल्टर के साथ काम करना बहुत अच्छा रहेगा। कर्मा क्लियरिंग, सेलिब्रेशन, सी मैंने आपको बोला विद द थ्री ऑफ कप्स एनर्जी, कोई ना कोई सेलिब्रेशन है आपके लिए इस मंथ में। हेयर ग्रोथ, कंग्रेचुलेशंस, एंड देन वी हैव फोन कॉल, कोई इंपॉर्टेंट फोन कॉल आपको मिल सकती है। अगर आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो किसी पर्सन से कोई फोन कॉल, तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है। एंड देन वी हैव मल्टीटास्किंग, तो काफ़ी सारे टास्क आप करेंगे, एक नहीं बल्कि मल्टीपल टास्क से भरा हुआ मंथ है ये आपके लिए। ओके, ऑलराइट गाइस, मैं इस रीडिंग को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर ये स्टाइल आपको अच्छा लगा है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पहले मैं एक ही पाल बनाकर जैसे रीडिंग करती हूँ ना, इस बार हमने अलग अलग की हैं, जैसे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर आप कुछ और भी सजेस्ट करना चाहें तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम नेक्स्ट टाइम उसको भी कंसीडर करेंगे। ओके, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shinnycreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप मेरे साथ ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप करना चाहते हैं, आपका तहे दिल से स्वागत है। बहुत कम समय बचा है, 28 अप्रैल से ये वर्कशॉप शुरू हो रही है, तो साइन अप के लिए या फिर इनरोलमेंट के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihiltarot@gmail.com पर। अगेन, सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑलराइट, ओके, तो मैं इस रीडिंग को यहाँ पर एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच लव्स, टेक केयर, बाय।